में चले गए, उसका ब्यूरो कैसे आ गया, आईएएस आ गया, आईएएस आ गया। एक ऊंचा खर्चा इस बात को हमने कहा कि सारी पार्टियां जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो भी इस मुद्दा नहीं है। किशोर तिवारी हूँ मैं, प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजकीय केशव परिषद का और प्रत्याशी हूँ स्नातक विधानसभा का। आज के प्रेस का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोगों से रूबरू होकर हम बता सकें कि मैं प्रत्याशा यहाँ दाखिल कर रहा हूँ, आपके बीच में हूँ, 12 दिनों का चुनाव है उसके बीच में हम आया हुआ हूँ। तमाम सारी समस्याएँ जो ग्रेजुएट्स की हैं हम लोग चाहते हैं कि उनकी निपटें। अभी आप देख रहे हैं कि जो लोग ये सांसद में या विधायक में हमारे ग्रेजुएट्स की जगह जा रहे हैं वो सब पॉलिटिकल लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जब पॉलिटिकल लोग जाते हैं तो वहाँ कोई काम नहीं करते, सिर्फ सरकार के हिसाब से या पार्टी के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्दलीय लड़ने का मन बनाया कि हम वहाँ जाएंगे अपने कर्मचारियों की, जो हम लोगों ने 20-25 साल कर्मचारियों के समाज से सीखा है और जो हमारे जहन में है वही हम सरकार के अंदर वहाँ विधान परिषद के अंदर बात करके मनाने का प्रयास करेंगे। किस तरह तो हम लोग लड़ लेते हैं, किस तरीके से मन में विचार आया राजनीति में उतारने के लिए? नहीं, हमने देखा भी तमाम बड़े बड़े आंदोलन किए, चाहे पुरानी पेंशन व्यवस्था का हो या और तमाम आंदोलन हमने किए, लखनऊ में तमाम घेराव प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि एनएक्सी तक को हमने बार बार घेरा, पूरा एनएक्सी घेर के 2-2 घंटे तक हमने बंधक बनाने का प्रयास किया। हमने ये देखा कि जो हम लोग बाहर चिल्लाते हैं और वो अंदर बात नहीं, पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि अगर हम लोग काला फीता बांध लेते थे तो सरकारें बुला लेती थी और कहीं ना कहीं आपकी बात होती थी कि विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। आज की तारीख में इतनी असंवेदनशीलता हो गई है कि आप काला फीता बांध दिए, धरना प्रदर्शन करिए, उसके बाद में मट्टी का तेल डाल के आग लगा दें, कोई सुनने वाला आपका नहीं है, आपसे पूछते हैं कि काम कम हो गया, कोई बात नहीं। इन परिस्थितियों में जब संवेदनशील सरकारें नहीं है, संवेदनशील अधिकारी नहीं है, काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो लोग विधान परिषद विधानसभा को जरूर मानते हैं। तो हम लोगों ने यही तय किया कि वहाँ भी चलकर एक बार लड़ाई लड़ी जाए और बाहर और अंदर दोनों जगह लड़ाई लड़ेंगे तभी सफलता मिलेगी, इसी उद्देश्य से हम लोग लड़ेंगे। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके जन नहीं, जैसे मैंने बताया अभी कि आउटसोर्सिंग पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोगों को बहुत लोगों का दोहन हो रहा है हमारे लोगों का। आपने देखा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को जिस पर मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, आपने देखा उसमें कि लोगों को ये जो आपके पॉलिटिकल लोग हैं ये पूरी पेंशन लेते हैं, 2-2, 3-3 बार पेंशन लेते हैं, सिक्योर्ड पेंशन लेते हैं, हमारा अपना पैसा लेकर सरकार शेयर मार्केट में लगा देती है और शेयर मार्केट में चाहती है कि शेयर मार्केट के बाद 30 साल बाद आप रिटायर होंगे तो आपको पैसा मिलेगा। भाई हमारा पैसा जीओ में क्यों लगाएंगे आप, हमारा पैसा हमारी मर्जी से लगाएंगे, 30 साल बाद रिटायर होंगे तो हमको पैसा मिलना चाहिए, सिक्योर्ड मिलना चाहिए। ये सब बातें जो हैं ये बहुत गंभीर बातें हैं, इन पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है, इन पर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो ग्रेजुएट का चुनाव है इसमें मतदाता जागरूक हो और जो ये 5% पर चुनाव सिमट जाता है इसकी जगह पे 20-25% पर चुनाव जाए, लोग इससे जुड़े और मतदाता बने ताकि अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो सके। ये चुनाव 31 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर तक की है, मतदाता बनने की इसकी प्रक्रिया है, इससे सभी से अनुरोध है कि इस बीच में 8-10 दिन 15 दिन का समय हमारे पास है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके सदस्य बने ताकि अच्छे मतदाता आकर उसको चुनाव कर सकते।